प्रयागराज में एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। इस मामले में 200 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सभी छात्रों को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। आरोप है कि शुक्रवार को 1000 से ज्यादा की तादाद में जमा हुए छात्रों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। जो लोगों ने बच्चों को बरगलाने की कोशिश की, कैंडिडेट्स को बरगलाने की कोशिश की, उनका फ्यूचर नष्ट करने को चाहिए, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर विरोधियों का हमला झेल रही यूपी सरकार का कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बचाव किया और एसपी बीएसपी पर जोरदार हमला किया। कलेश जी और मायावती जी ने जो कुआं जो खोदा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसके अंदर अभी भी कुछ मेढक बच गए हैं। फिलहाल प्रयागराज में छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय और लोक सेवा आयोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।